वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी लैंड रेवेन्यू कोड 2006 के लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत इंजेक्टमेंट और डिक्लेरी सूट के बारे में। देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत, तो इसमें होता क्या है, जो ज़मीनें होती हैं वो ग्राम पंचायत जो ज़रूरतमंद होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं गांव के, उनको गवर्नमेंट अलॉट कराती है ताकि वो लोग अपना खेती वेती कर सकें। ये इसका समरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है। एडमिशन बाय भूमि प्रबंधक समिति टू द लैंड इंटरेस्टेड टू द ग्राम पंचायत, द भूमि प्रबंधक समिति में विद द प्रोविज़न अप्रूवल ऑफ सब डिविज़न ऑफिसर एडमिट एनी पर्सन एज, मतलब यहाँ पे जो भूमि प्रबंधक समिति होती है वो डिसाइड, वो मतलब किसी को भी अलॉट कर सकती है ज़मीन, लेकिन उसको ऑर्डर लेना पड़ता है सब डिविजनल ऑफिसर से। सब डिविजनल ऑफिसर अगर उसको कंफर्म अप्रूवल दे देता है तो वो किसी को भी ज़मीन अलॉट कर सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखना होता है कि उसके संग वो थोड़ा गरीब होना चाहिए, उसके पास ज़मीन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग आगे बात करेंगे किस कैसे लोगों को प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं। भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स टू एनी लैंड इंटरेस्टेड और डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड टू ग्राम पंचायत अंडर सेक्शन 59 एंड द लैंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 77। तो अंडर सेक्शन 59 के अंदर और जो लैंड स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन 77 के अंतर्गत, यहाँ पे भूमिदार लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है, मतलब जिसको भी ज़मीन देते हैं वो भूमिदार बन जाता है और उसके बाद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होता है ताकि वो उस लैंड को बेच ना सके। सेकंड, असामी टू एनी लैंड स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 77 एक्सेप्ट इन द क्लॉज ए और क्लॉज एच और फर्स्ट देयर ऑफ वेयर सच लैंड is interested or deemed to be interested to the gram panchayat under section 59 to other than a tank specified in clause a of clause 61। इसमें क्या बता रहा है कि जो सेक्शन 77 के अंदर जो लैंड बचे हुए होते हैं वो आसामी लोगों को भी मतलब अलॉट कर देता है, उसका नाम आसामी होता है। उनका काम क्या होता है, वो उस ज़मीन पे कोई भी प्रोडक्शन का वर्क कर सकते हैं, मतलब खेती कर सकते हैं और फिर उससे जो भी उनको इनकम होगी वो अपने पास रख सकते हैं। तो दो तरीके का आपने यहाँ पे समझा, एक भूमिदार जो जिनके पास नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होता है, दूसरा आसामी जिनके पास भी नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स होता है, ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी को ज़मीन, इनको ज़मीन फ्री में गवर्नमेंट अलॉट करता है ताकि वो खेती कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस इन द एडमिशन ऑफ द लैंड बाय भूमि प्रबंधक समिति। तो अब भूमि प्रबंधक समिति और क्या कर सकता है, इन एडमिशन ऑफ एनी पर्सन टू द लैंड एज अ भूमिदार विद द नॉट ट्रांसफरेबल राइट्स और एज अ आसामी अंडर सेक्शन 125 हेयर इन आफ्टर इन दिस चैप्टर रिफर्ड टू एज अलॉटेड ऑफ द लैंड भूमि प्रबंधक समिति शैल ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो भूमि प्रबंधक समिति होती है वो जब किसी को भी भूमिदार नॉन ट्रांसफरेबल राइट या फिर आसामी की तरह नियुक्त करती है तो प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने प्रेफरेंसेस बना के दिए हुए हैं, ऐसे नहीं किसी को भी ज़मीन आपने अलॉट कर दिया, उसके पीछे गवर्नमेंट ने प्रेफरेंसेस दिए हैं। तो हम लोग प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेफरेंसेस होना चाहिए, अ लैंडलेस विडो, सन, अनमैरिड डॉटर और पेरेंट्स रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा ऑफ द पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज लाइफ वाइल इन एक्टिव सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। तो इसमें क्या आएगा, जो भी लोग सोल्जर्स लोग हैं वो लोग के जो वाइफ्स हैं जो विडो हो चुकी हैं या फिर उनके बेटे हो गए या फिर कोई अनमैरिड डॉटर है उस फैमिली की, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स हैं
जैसे कोई भी सोल्जर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन पे उनको ये ज़मीन अलॉट की जा सकती है। अ लैंडलेस पर्सन रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा हु हैज़ बिकम होली डिसेबल वाइल इनएक्टिव सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। अब इसमें क्या है, मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो लड़ाई करने जाता है और वो फुल्ली डिसेबल हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, अब वो कुछ करने लायक नहीं बचता, तो उस कंडीशन में भी उसको, ऐसे लोगों को भी ज़मीन अलॉट कर दी जाती है। वो अलाइव है लेकिन डिसेबल है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा एंड बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस और अ पर्सन ऑफ द जनरल कैटेगरी लिविंग बिलो पावर्टी लाइन एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या बता रहे हैं कि कोई भी लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं और उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी के भी हैं और आप पावर्टी लाइन से नीचे अगर जीवन यापन कर रहे हैं, जो भी पावर्टी लाइन गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है उस लिमिट से अगर आप नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इस ज़मीन को लेने के लिए। नेक्स्ट आते हैं, एनी अदर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा, और भी कोई अगर लैंडलेस लेबर रह रहा है उस ग्राम सभा में, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको ज़मीन अलॉट कर दी जाती है ताकि वो थोड़ा बहुत अपना कमा खा सके। उसके बाद है, अ लैंडलेस पर्सन रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा हु हैज़ रिटायर्ड और बीन रिलीज और डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स और द यूनियन अदरवाइज देन एज एन ऑफिसर। अब इसमें बता रहा है कोई आर्म्ड फोर्स मतलब कोई भी सोल्जर से रिटायर हो गया है, अब उसके पास कोई वर्क नहीं है करने के लिए, तो ग्राम सभा में उनको भी ये दे दिया जाता है। उसके बाद अ लैंडलेस फ्रीडम फाइटर रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा हु हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड पॉलिटिकल पेंशन। अब इसमें क्या है कि कोई पुराने फ्रीडम फाइटर अगर रह रहे हैं और उनको पॉलिटिकल पेंशंस नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन को भी उनको गरीब बांध के ज़मीन दे दिया जाएगा। एनी भूमिदार और असामी रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा एंड होल्डिंग लेस देन 1.26 हेक्टेयर्स। इसमें क्या है, कोई भूमिदार है या फिर कोई असामी है, वो उस पर्टिकुलर ग्राम सभा में रह रहा है और उसकी ज़मीन 1.26 हेक्टेयर से कम है, तो उसको भी ज़मीन दी जा सकती है। एनी अदर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब और द बैकवर्ड क्लास और द पर्सन इन द जनरल कैटेगरी बिलो द पावर्टी लाइन एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट रिसाइडिंग इन द ग्राम सभा बट रिसाइड इन द न्याय पंचायत सर्कल रिफर्ड टू द सेक्शन 42 ऑफ द उत्तर प्रदेश पंचायती एक्ट 1947। इसमें क्या बता रहा है, कोई भी आदमी अगर वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या फिर बैकवर्ड एरिया बैकवर्ड क्लास का है या फिर जनरल क्लास का भी क्यों ना हो, लेकिन वो उस पर्टिकुलर सभा में नहीं रह रहा है, लेकिन वो न्याय पंचायत के सर्कल के अंतर्गत आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसको भी ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी। अब आते हैं इंजेक्टमेंट में। इंजेक्टमेंट में क्या होता है, जो भी आपको ज़मीन अलॉट की जाती है कब वो वापस ले लेते हैं, मतलब वो कैंसिल हो जाता है, तो उसमें आते हैं, नो भूमिदार शैल बी लाइबल टू इंजेक्ट फ्रॉम द लैंड हेल्ड बाय हिम एक्सपेक्ट एज प्रोवाइडेड बाय अंडर कोड 131 सूट फॉर इंजेक्टमेंट एक्सेट्रा। इसमें क्या बता रहा है, किसी भी भूमिदार से आप ऐसे ही ज़मीन वापस नहीं ले सकते जब तक कोई सूट में कोई केस में कोई ऐसा फैसला ना आए, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। नो असामी शैल बी लाइबल टू इंजेक्ट फ्रॉम द लैंड हेल्ड बाय हिम। यही सेम चीज़ आसामी के भी ऊपर है, उससे भी आप ज़मीन वापस नहीं ले सकते, इंजेक्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर सूट होता है तो उसका कंडीशन अलग है, कोई केस हो जाता है तो उसका कंडीशन अलग है। एक्सपेक्ट ऑन द सूट ऑफ द लैंड
landholder or the Gram Panchayat, which may be filled no one on more than following grounds, namely that the interest or the assamee in the land held by him is extinguished under the provision of this code. अब इसमें क्या है कि expect on the suit of the landowner or Gram Panchayat which may be filled on any one more of the following grounds. मतलब इसमें कुछ और grounds हैं, मतलब कि अगर कुछ और चीज़ें कोर्ट को मिल जाती हैं कि इस कारण से इनको गलती से ज़मीन अलॉट हो गया था या फिर ये एलिजिबल ही नहीं है ज़मीन अलॉट करने के लिए, तो उस कंडीशन पे कोर्ट इनके खिलाफ़ मामला दे सकती है, केस दे सकती है, ठीक है आप इनसे ज़मीन वापस ले लीजिए, लेकिन इसमें ग्राम पंचायत का भी हाथ होना चाहिए, वो एकदम क्लियरली इस चीज़ को क्लियरिफाई करे. दैट द आसामी वॉज होल्डिंग द लैंड फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर अ पीरियड विच ही हैज ऑलरेडी एक्सपायर फॉर विच द एक्सपायर बिफोर द एंड ऑफ द करंट एग्रीकल्चर ईयर. अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी ज़मीन अलॉट होते हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है, अब वो टाइम लिमिट बीत चुका है तो उस कंडीशन पे इंजेक्टमेंट हो सकता है. तब भाई जब टाइम लिमिट बीत गया तो फिर वो ज़मीन वापस ले ली जाएगी. नेक्स्ट आते हैं, दैट द आसामी इज यूजिंग द लैंड फॉर द पर्पज ऑफ नॉन परमिटेड बाय सेक्शन 84. अब किसी आसामी को लैंड दिया गया है, वो सेक्शन 84 में जितनी चीज़ें लिखी गई हैं उसके अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट्स के अगेंस्ट अगर वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में भी उससे ज़मीन इंजेक्ट कर दी जाएगी, वापस ले ली जाएगी. दैट द लैंड होल्डर वॉज सफरिंग फ्राम एनी ऑफ द डिसबिलिटीज रिफर्ड टू द सबसेक्शन 95 एंड आइदर द डिसबिलिटी हैज़ क्रीज और विशेज टू बी ब्रिंग द लैंड अंडर हिज पर्सनल कल्टिवेशन. अब कोई डिसेबिलिटीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन पे भी आप वहाँ से ज़मीन उनसे वापस ले सकते हैं. दैट द आसामी वॉज इन एरिया ऑफ द रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर एंड हैड फेल टू पे द सेम टू द लैंड होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ द 30 days डिस्पाइट ऑफ द सर्विस नोटिस ऑफ डिमांड. अब मान लीजिए किसी आसामी को किराए पर ज़मीन दी गई थी और उस कंडीशन पे वो अपना जो भी किराया है वो समय पे नहीं पे कर पाया, तो 30 days का समय दिया जाता है, अगर 30 days में वो नहीं कर पाता तब भी ज़मीन उससे वापस ले ली जाती है. दैट द असामी हैज़ ट्रांसफर द होल और द पार्ट ऑफ द लैंड हेल्ड बाय हिम टू द कंटरवेंशन ऑफ द प्रोविज़न फॉर दिस कोड. सेकेंड, नो नोटिस ऑफ द क्वाइट टू द असामी शैल बी नेसेसरी बिफोर फाइलिंग द सूट अंडर दिस सेक्शन. इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए आसामी ने कोई अपना ज़मीन ही ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि पहले से ट्रांसफरेबल तो होता नहीं है लेकिन ये ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस कंडीशन पे भी वो ज़मीन उनसे वापस ले ली जाएगी. द लैंड होल्डर मे बी सूट फॉर द इंजेक्टमेंट ऑल्सो क्लेम एरियर ऑफ रेंट, एरियर ऑफ रेंट की वजह से भी इंजेक्ट हो सकता है. एंड लैंड होल्डर विथ और विदाउट सुइंग एंड इंजेक्टमेंट शू द असामी फॉर द एरियर ऑफ रेंट. इसमें क्या बता रहा है कि अगर एरियर ऑफ रेंट के लिए भी सू कर सकते हैं, और अगर उसमें मामला अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये रेंट नहीं देना चाहते तो उस कंडीशन पे भी ज़मीन वापस ले सकते हैं. अब आते हैं डिक्लेरेटरी सूट के बारे में. डिक्लेरेटरी सूट में क्या होता है, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी भूमिदार और असामी ऑफ एनी होल्डिंग और द पार्ट देयर ऑफ वेयर एक्सक्लूसिवली और जॉइंटली विच एनी अदर पर्सन मे श्यू फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ हिज राइट इन द होल्डिंग और अ पार्ट. मान लीजिए कोई एक बड़ी ज़मीन है, वो उसमें किसी को अलॉट हुआ है कि वो भूमिदार है उसका या फिर उसका असामी है, और उसको उस कंडीशन पे वो ज़मीन नहीं मिल रही है, तब वो डिक्लेरी सूट कर सकता है. डिक्लेरी सूट में बता सकता है कि हाँ मुझे अलॉट हुई है और मुझे ये ज़मीन नहीं मिल रही है. इन एवरी सूट अंडर द सब सेक्शन 1 instituted by or on the behalf of the भूमिदार the state and the gram panchayat shall necessary party. इसमें क्या बता रहा, जब भी कोई declaratory suit होता है तो उस condition पे जो भी हमारे state होते हैं और जो gram panchayat होते हैं वो हमारे necessary party बनते हैं, बिना उनके ये suit declaratory suit नहीं हो सकता. B and assamee the landholder of the necessary party. तो मतलब
स्टेट गवर्नमेंट प्लस ग्राम पंचायत प्लस आसामी प्लस भूमिदार, ये सब नेसेसरी पार्टीज बनते हैं इसमें. डिक्लेरेशन ऑफ द सूट बाय द ग्राम पंचायत नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेंड इन द सेक्शन 34 ऑफ द स्पेसिफाइड रिलीफ एक्ट 1963, द ग्राम पंचायत वॉज इंस्टीट्यूटेड अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी entitled to any rights in any land for the declaration of the right of the person in the such land, and the court may it its discretion may make a declaration of the rights of the such person, and the gram panchayat need no in such suit ask for further relief. इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई जमीन उनको अलॉट की गई है किसी भी एक्ट के थ्रू और उस कंडीशन पे और वो ज़मीन उनको नहीं मिलती है, तब वो पंचायत के को साथ में लेके एक डिक्लेरी सूट कर सकते हैं और उनकी जो भी ज़मीन है फिर उसके ऊपर जो भी केस, अगर वो चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उनको ज़मीन उनको वापस मिल सकती है. प्रोविज़न फॉर इंजेक्शन, अब क्या प्रोविज़न है इंजेक्शन के. इफ़ इन द कोर्स ऑफ द सूट ऑफ द सेक्शन 144 और 145 इज़ प्रूव्ड बाय द एफिडेविट that any property, tree, crop standing on the land in dispute is in danger of the being wasted, damaged or lented by any part of the suit, that any party of the suit there seen to be intended to remove or dispose of the said property, trees or crop in the order to defer the end of the justice, the court may ग्रांट टेम्प्ररी इंजेक्शन एंड वेयर द नेसेसरी एज अपॉइंट अ रिसीवर. और इसमें क्या बता रहा है, मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन है उसमें जो क्रॉप है वो ख़राब होने वाला है, ठीक है, और वो क्रॉप और ज़मीन आपके पास नहीं है, कुछ क्रॉप को नुकसान पहुंचने वाला है, तो उस कंडीशन पर टेम्प्ररी इंजेक्शन आपको मिल जाएगा ताकि आप अपने क्रॉप को सही कर लें, तो इसका भी प्रावधान बनाया गया है इसमें. थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.